करें तो फेफना विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक खास तौर पे प्रदेश की राजनीतिक सुर्खियों में है, क्योंकि हमेशा जब जब फेफना में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूरे ताकत के साथ मैदान में होती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी को। अगला मुकाबला बड़ा ही रोचक होगा। आइए हम बात करते हैं इधर, खास तौर पे फेफना विधानसभा का पचखोरा चट्टी, जहां योगी के मंत्री उपेंद्र तिवारी के समर्थक मौजूद हैं, जन विश्वास यात्रा के स्वागत में खड़े हैं। आइए हम बात करते हैं आप उन लोगों से, खास तौर पे जन विश्वास यात्रा की शुरुआत बलिया के महर्षि भृगु के भूमि और तपोभूमि से हुआ। हमेशा भारतीय जनता पार्टी कोई न कोई शुभ काम करती है तो बलिया से क्यों करती है, क्योंकि बलिया बगावत की धरती रही है, बागियों की धरती रही है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो रंगमंच के क्षेत्र में हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो या फिर राजनीति के क्षेत्र में हो, बलिया हमेशा आगे रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत बलिया से करते हुए आगामी विधानसभा में सत्ता में पुनः आने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जन विश्वास यात्रा की जो शुरुआत की है उसके पीछे कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव भी देखा जा रहा है। आइए हम बात करते हैं आप लोगों से, जिन्होंने खास तौर पे अपने नेता उपेंद्र तिवारी के सम्मान में आज मैदान में हैं, तो वह किस उद्देश्य हैं, क्या उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी होगी। जी आपका नाम? देवेंद्र कुमार गिरी। जी जी गिरी जी, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माहौल चल रहा है, तो जहां विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को टारगेट पे लेकर चल रहा है कि आगामी चुनाव में इनका सत्ता से सफाया होने जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में कोई यहां पार्टी है नहीं, और ख़ासकर इस उत्तर प्रदेश के फेफना विधानसभा में उपेंद्र तिवारी इस पूरे पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश कह लीजिए कि इकलौता नेता हैं जो विकास की धारा यहाँ 35 वर्षों से नहीं हुई थी, सड़क से लेकर नाली से लेकर बिजली तक का काम इन्होंने अपने विधानसभा में कराया है। यहाँ कोई विरोधी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र तिवारी और भारतीय जनता पार्टी है। जी अभी ठीक है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में उपेंद्र तिवारी की जरूरत है फेफना के राजनीति में, और वो पुनः आएंगे और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पुनः बनेगी। आइए हम बात करते हैं आप महिलाओं से, किसके स्वागत में खड़ी हैं आप लोग? उपेंद्र तिवारी की। जी तो आपके नेताजी कहाँ हैं? आ रहे हैं अभी। जी उपेंद्र तिवारी को कब से जानती हैं आप? 6-7 साल से जानते हैं। जी तो खास तौर पे आपके क्षेत्र के विधायक हैं? जी जी। तो आते हैं कि नहीं आप? हाँ, मिलने आते हैं, हर समस्या का समाधान करते हैं। कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं। महिलाओं की बात माने तो आज भी उपेंद्र तिवारी इनके जनप्रिय नेता हैं और दुख सुख में हमेशा शामिल रहते हैं। आइए हम बात करते हैं खास तौर पे जन विश्वास यात्रा में आप लोग किसके स्वागत में खड़ी हैं? आप लोग उपेंद्र तिवारी के? उपेंद्र तिवारी जी के लिए आई हैं। तो जन विश्वास यात्रा में तो और भी तो नेता हैं उनके लिए? हाँ जी हैं, सबके लिए। मोदी जी हैं, योगी जी हैं। अच्छा, योगी और मोदी क्या दे रहे हैं आप लोगों को? हमें तो सब कुछ दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं? राशन दिए, गैस दिए। राशन, गैस, हाँ हर चीज। आवास? हाँ हाँ जी मिला है, हाँ सब कुछ। झूठ नहीं बोल रही है? नहीं झूठ, किसी के बहकाव में नहीं ना। जी तो आप चाची आवास मिलल हो? हाँ मिलेगा। ये दिया बोला? मोदी। मोदी आप मिलल आवास? हाँ मिलल। राशन मिलल हो? राशन मिलल, चना मिलल, तेल मिलल, लैटरिन मिलल। आपके शौचालय? नहीं नहीं, हमने के शौचालय। दाई से मिलने? हाँ दियाई लो बावे। चलिए जो नहीं मिला मिलेगा। भलिया के राजनीति में खास तौर पे फेफना विधानसभा क्षेत्र से आज जो उनके क्षेत्र में, ये बता दें कि ये पचखोरा है, पचखोरा पे आज जो इनका स्वागत है जन विश्वास यात्रा का, उसमें हम देखेंगे कि उस मंच पर, जन विश्वास यात्रा के मंच पर प्रदेश लेवल के बड़े नेता भी मौजूद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कब क्या होगा, कैसे क्या होगा, ये तो चुनाव तय करेगा। लेकिन आपको बता दें जन विश्वास यात्रा प्रदेश के 6 जगहों से शुरुआत होनी है, लेकिन आप 19 दिसंबर को बलिया से हो चुकी है। ये जन विश्वास यात्रा प्रदेश पूर्वांचल के 12 जनपदों से होते हुए कुल 62 विधानसभाओं में भ्रमण करेगी। 12 जनपद और 62 विधानसभा में जन विश्वास यात्रा पहुंचेगी। अपने अपने क्षेत्र में नेता अपने अपने चुनाव को लेकर जिस तरीके से स्वागत करें, एक तरफ महिला, एक तरफ पुरुष, एक तरफ बच्चे, जन विश्वास यात्रा के पीछे कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव देखा जा रहा है, जिसको लेकर दावेदार अपनी चुनावी कसरत शुरू कर चुके हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देखते रहें बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।